नमिताज किचन में आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी पान और नारियल के मलाई से बनने वाली टेस्टी सी आइसक्रीम। तो इसके लिए हमने दो पान के पत्ते लिए हैं, नारियल की मलाई ली है, एक नारियल की एक ग्लास दूध, गुलकंद, रूह अफ़ज़ा, इसके साथ में मलाई और थोड़ा सा हमने मिश्री लिया है। सबसे पहले हम जो मिल्क है उसको हम गर्म करने के लिए रख देंगे, उसको थोड़ा सा उबालना है, ज़्यादा देर नहीं, कि मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है तो बस इसको अच्छे से गर्म करना है। तब तक मलाई, पान के पत्ते और जो नारियल की मलाई है इसको हम एक मिक्सर जार में ग्राइंड कर लेंगे महीन। तो सबसे पहले पान के पत्ते हमने धो कर के लिए इसको तोड़ करके मिक्सर जार में ले लेते हैं इस तरह से। इसके साथ हमने एक नारियल की मलाई ली है, आप चाहें तो इसका ये जो पीला वाला पार्ट है हटा भी सकते हैं। और लगभग हमने 1 किलो दूध की मलाई जो है फ्रेश मलाई वो ली है और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे तब तक हमारा दूध उबल रहा है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और ये जो ग्राइंडर जार में हमने ये जो पीसा है तीनों कॉम्बिनेशन, पान के पत्ते और नारियल की मलाई और मलाई, इन तीनों को हम इस गर्म दूध में मिक्स कर देंगे और हम इसको अब नीचे उतार करके अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच मिश्री, पिसी हुई मिश्री है ये, 2 चम्मच गुलकंद और एक बार इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। इससे ये अच्छा गाढ़ा पेस्ट बन जाता है। इसके साथ हम थोड़ा सा रोज़ सिरप या रूह अफ़ज़ा आप यूज़ कर सकते हैं, इससे इसमें जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। और थोड़े से काजू और बादाम की जो कतरन है वो हम डाल रहे हैं और इसको अच्छे से चलाते रहेंगे लगभग 5 से 10 मिनट के लिए। और फिर हम इसको एक कंटेनर में पोर कर देंगे और क्लिंग फाइल से कवर कर देंगे। क्लिंग फाइल या किसी भी प्लास्टिक बैग से आप इसको कवर कर दीजिए तो जिससे जो एक्स्ट्रा बर्फ़ है वो नहीं जमेगी। अच्छे से ठंडा करके आपको ये मिक्सचर भरना है, तो इसको अच्छे से ठंडा करके इसमें डाल देंगे और इसको 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। 7 से 8 घंटे के बाद हम एक बार इसको चेक करते हैं और ये देखिए एक क्लिंग फॉइल हटा देते हैं और हमारी आइसक्रीम बहुत अच्छे से जम चुकी है। और इसे अब हम ठंडे पानी में इस कंटेनर को डिप करके इस आइसक्रीम को अनमोल्ड कर लेते हैं। और देखिए बहुत ही टेस्टी पान और नारियल की मलाई से ये आइसक्रीम बन करके रेडी हुई है। आपको कट करके दिखाती हूँ, बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही डिफरेंट इसका टेस्ट है, तो आप एक बार ज़रूर बना करके ट्राई करिए। खाने में बहुत अच्छी लगती है, बनाने में बहुत आसान है, तो ज़रूर बनाइए ये डिश। थैंक यू एवरीवन।